सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से पल्स पोलियो अभियान के तहत स्लम एरिया का दौरा किया गया और वहां पर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की बूंदें पिलाई गई, जिसकी जानकारी में सिविल सर्जन जुगल किशोर ने बताया। पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है सर, इसमें क्या होगा और क्या फायदे होंगे? जरा पल्स पोलियो अभियान है सब नैशनल इमुनाइजेशन बोलते हैं, ये दूसरा गेड़ जरा चल रहा है जरा कि 1 नवंबर 2 से 3 नवंबर तक चल रहा है। कल अभी 1 नवंबर कल अभी बच्चे 54% बच्चों की कवरेज की है और अज और कल तक चलना है। इस तो पहल जरा पहले गेड़ का पल्स पोलियो अभियान 20, 21 से 22 सितंबर में अभी चलाया थी, जिसे असी 102% बच्चे की कवरेज की थी। इस अभियान के तहत असी 28,247 जी पापूलेशन कवर करनी है, तो जिदे 5,530 घर है, तो 4,267 जोड़े आ बच्चे वो कवर करने है। ये बच्चे वो है जेडे कि हाई रिस्क कैटेगरी के आते हैं, जिस तरह के माइग्रेटरी एरियाज है, स्लम एरियाज है, पट्टे है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, इस तरह के जेडे हाई रिस्क एरिया जेडे कि रेगुलर रूटीन कवरेज जिन्हों की घट होंगी है, उन्होंने ये जरा माइग्रेटरी रोंग जरा जिन्होंने अपना सब नैशनल इमुनाइजेशन डे कहने वो चलाया जा रहा है। मेरी यही सारे अपील हैगी कि जोड़ा भी बच्चा 0 से 5 साल है उन्होंने पोलियो दूंदा जरूर चलाओ।